दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी नेता आज कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि पिछले 4 सालों के बीजेपी शासन ने सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम किया है, जिसके चलते समाज का हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नाकामियों के चलते ही कांग्रेस की ओर से जन आक्रोश रैली की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये रैली चुनावी शंखनाद का काम करेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस रैली में हरियाणा से 50,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। जिलावार हमारे कार्यकर्ता बैठ के चल रही है, हमारे सभी अग्रणी संगठन महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, इंटक, सेवादल, अलग अलग विभाग और प्रकोष्ठ और हमारे सारे सीनियर लीडर, आज महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी है, कप्तान साहब ने यहाँ रेवाड़ी में मीटिंग बुलाई है। और मैं समझता हूँ कि जो टारगेट हम लोगों को दिया है 50,000 का, उससे ज्यादा टारगेट हरियाणा कांग्रेस पूरा करके दिल्ली की रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली को ऐतिहासिक बनाने का काम करेगी। और इसी से 2019 का जो चुनाव है उसके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल बजेगा। पूरी मजबूती से हम हर वर्ग की आवाज को उठाने का काम करेंगे और आज हर वर्ग दुखी है, इससे मैं नहीं समझता कि कोई भी दोहराए रखता हो कि आज हमारा ये राजनीतिक भी और नैतिक दायित्व बनता है, सामाजिक दायित्व बनता है कि हम ऐसी पार्टी के खिलाफ, ऐसी सरकार के खिलाफ मजबूती से फैलाने जंग करें और 2018-19 में जब भी चुनाव हो उस ऐलान जंग के बाद इन ताकतों को, फिरकापरस्त ताकतों को परास्त करें। वहीं अशोक तंवर ने भी इनेलो और बसपा गठबंधन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ अवसरवाद पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इनेलो ने हमेशा से ही दूसरों को धोखा दिया है। अगर प्रदेश में इनेलो इतनी ही ताकतवर होती तो उनको गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनेलो हाथी पे बैठ गई और हाथी चश्मे पे बैठ गया तो क्या होगा। दूसरी बात, इनेलो का दूसरा नाम है धोखा। धोखा उन्होंने हरियाणा की जनता के साथ किया, जिसके साथ गठबंधन किया उसके साथ किया, और धोखेबाजों का इस हरियाणा की राजनीति में अब कभी दोबारा है ना सत्ता में कोई किसी तरीके का मामला बनेगा। और लगातार जिन लोगों को 3 बार रिजेक्ट कर लिया हो, मुझे नहीं लगता कि उनको दोबारा कभी हरियाणा की जनता दोबारा मौका देगी। तो इसलिए आज राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है और ये मजबूत विपक्ष की भूमिका भविष्य में प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी, INLD और इस तरह के जो संगठन है उसे मुक्ति दिलाने का काम करेगा। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा गैंग रेप की राजधानी बन चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ये रैली बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। हरियाणा एक अपने आप में रेप की राजधानी बन चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में दिया था। एक बात कटु सत्य है, ये बात नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कान खोलकर सुन ले। जब बेटियों की असमत लूटी जाती है, जब बेटियों के साथ गैंग रेप होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, उसके बाद भी क्या राजनीति सोचती है उनको? कांग्रेस राजनीति करने के लिए नहीं आई। मैं राजनीति से पहले एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ। एक भी महिला आज इस बात से व्यथित है अपने दिल पर हाथ रख के कहे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के ताबूत की आखिरी कील रामलीला ग्राउंड में हरियाणा की महिलाएं गाड़ेंगी। सत्य खबर के लिए रेवाड़ी से संजय कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।